माय चैनल क्रिएटर प्रिया विल्लो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 9 का रूल 6। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्डर 9 का रूल 1-5, आज बताऊंगी रूल 6। रूल 6 कहता है प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, जब कोर्ट में केवल वादी उपसन जात होता है, वादी अपीयर होता है और जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो उस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी। तो उसमें कोर्ट कुछ रीजंस देखेगी। पहला रीजन है कि वह देखेगी कि जो संबंध है वह प्रॉपर तरीके से डिफेंडेंट पर उसकी सर्विस हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर कोर्ट को लगता है यह प्रूव हो जाता है कि संबंध की सर्विस प्रॉपर तरीके से डिफेंडेंट पर हो चुकी है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो केस है, जो बाद है, उसकी सुनवाई एक पक्षीय की जाए। अगर जो दो नंबर का जो रीजन है वो ये है कि अगर जो संबंध की सर्विस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है डिफेंडेंट पर, तो उस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी। अगर यह प्रूव हो जाता है कि जो संबंध की सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से डिफेंडेंट पर नहीं हुई है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वह नेक्स्ट यानी कि सेकंड संबंध डिफेंडेंट पर उसकी सर्विस के लिए ऑर्डर करेगी कि दूसरा संबंध डिफेंडेंट पर को भेजा जाए, उसकी संबंध की सर्विस की जाए। जो थर्ड रीजन है वो कहता है कि जो संबंध की सर्विस है वो तो प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, ड्यूली सर्व्ड हो चुका है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वह टाइम पीरियड में संबंध की सर्विस नहीं हुई है, यानी कि जो डिफेंडेंट है उसको संबंध की सर्विस तो कर दी गई है कोर्ट द्वारा, लेकिन जो संबंध है वह उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया है, संबंध की सर्विस को एक समय के भीतर नहीं किया गया है कि डिफेंडेंट को समय मिल सके अपने डिफेंस को रखने का। तो उस केस में जो कोर्ट है वो जो हियरिंग डेट है उसको मुलतवी कर देगी और आगे के फ्यूचर डेट के लिए एक डेट फिक्स करेगी हियरिंग के लिए। तो ये कहता है रूल 6। रूल 6 का सब रूल 2 कहता है कि जहाँ संबंध की सर्विस प्रॉपर तरीके से कर दी गई है, लेकिन जो संबंध की सर्विस करने में जो देरी हुई है वह वादी की तरफ से हुई है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर करेगी प्लेंटिफ को कि वह जिस वजह से जो व्यतिक्रम हुआ है, जो डिले हुई है, उसके जो खर्चे हैं वह जो प्लेंटिफ है वह उसको दे, जो दूसरी पार्टी है उसको वो खर्चे दे। जब भी कोर्ट में केस किया जाता है और अगर वादी की वजह से डिले होती है, तो उस केस में जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसे खर्चे देने होते हैं, जो भी खर्चा लगता है केस की हेयरिंग्स पे। तो फ्रेंड्स, क्लियर है रूल 6 ऑर्डर 9 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।